Hello guys, welcome back to my channel. You're watching Mumbaichi Muskan. Namaste to everyone and a very, very, very happy and prosperous Diwali to you all. और ये ढेर सारी मिठाइयाँ आप सभी के नाम. आज मैं आपको एक शॉपिंग हॉल दिखाने वाली हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से पूरे व्लॉग में कहते हैं आज शॉपिंग व्लॉग करेंगे. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम. सो टुडे इज़ 27th ऑफ अक्टूबर और ये मैं हॉल करने जा रही हूँ. बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं है. इट इज़ जस्ट ऑल दी इम्पॉर्टेंट आइटम्स दैट आई वांटेड और मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइटम्स ख़रीदे जो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल रहे पूरे थ्रू आउट द ईयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके, सो द फर्स्ट आइटम विल बी ऑल दी हाउस होल्ड आइटम्स दैट आई गॉट फॉर माई होम. अरे घर की चीज़ें होंगी. फिर सेकेंड में मैं आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाउस होल्ड जो घर की चीज़ें, उससे पहले शुरुआत करते हैं. तो बेसिकली जो मैंने फर्स्ट चीज़ जो मैंने ख़रीदी थी वो थी ये. दिस इज़ बेसिकली एक फॉर ऑयली स्टफ़. जो जितने भी आपको ऑयली प्रोडक्ट्स कुक करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. जो हमारे पहले के जो रेगुलर जो चम्मच आते थे जिसमें ऐसे बड़े बड़े होल होते थे तो उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल अटक जाता है. सो दैट इज़ नॉट यूज़फुल. दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल चीज़ एज इसमें से सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा अटकेगा नहीं. तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल आइटम. प्राइस टैग मैंने इसका निकाल दिया है. सो आई डोंट नो द प्राइस about this, but it cost you around 40 or 50 rupees, somewhat like this. And the second product that I got is this very again a useful चीज़ जो हम बेसन जब हम बेसन घोलते हैं या कोई भी चीज़ जो हमें घोलनी होती है तो वो हम चम्मच से घोलते हैं. जो बेसिकली इतनी ज़्यादा मुझे लगता है हार्ड वर्किंग होगी इस मशीन या इस टूल से विच जो मैकेनिकल है विच इज़ हैंडी इज़ वेरी गुड टू यूज़. एंड बेसिकली इसमें क्या करना है, जो ये हैंडल है ना इसे पकड़ना एंड जस्ट यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक You have to just press this and ये घूमता है and आपका automatically सारा काम हो जाता है. You do not need a spoon. स्पून की कोई ज़रूरत नहीं है. This is very useful. Then another जो प्रोडक्ट है वो है ये ऑर्गेनाइज़र which has this 3 partition in this. तो बेसिकली ये मैंने एक्चुअली ब्यूटी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए लाया है. बेसिकली जो आई लाइनर्स होंगे, लिप बाम्स होंगे, लिप लाइनर्स होंगे या जैसे भी मुझे जो पेंसिल वाले टूल्स होंगे उसको सेग्रीगेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इसमें 3 पार्टीशन है तो मैं इसे सेपरेट कर सकती हूँ और ये सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज होगी और मेरे लिए काफ़ी हैंडी होगा सबको निकालना. देन दी अनदर थिंग विच आई हैव गॉट अगेन इज़ दिस ऑर्गेनाइज़र. दिस इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप अपने जो मेकअप रिमूवर के कॉटन पैड्स होते हैं, नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं, वो सारी स्मॉल जो चीज़ें होती है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए. इससे क्या होगा, चीज़ें बिखरी नहीं होगी एंड आई विल बी वेरी सॉर्टेड थ्रू आउट द होल मंथ. ओके, सो अनदर थिंग दैट आई हैव इज़ दिस ऑर्गेनाइज़र. दिस इज़ अ बिग ऑर्गेनाइज़र जो कुछ हो रहा था इसमें मैंने एक बड़ा साइज़ लिया है. सो बेसिकली दिस ऑर्गेनाइज़र हैव अ गुड स्पेस इन दिस. इसमें मैं स्टोर कर सकती हूँ सारे अंडरगार्मेंट्स या फिर सॉक्स या तो हैंकरचीफ, जो जैसा आपका मन करे. इसमें सारी चीज़ें सॉर्टेड होगी, बिखरी नहीं होगी. तो यू शुड गेट, आई थिंक यू शुड गेट दिस. ओके, सो ये था सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. Now we are jumping into our beauty products जो कि all you girls are waiting. I know. Okay, so let's get started with the skincare routine now. So guys, the हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ किए थे दैट आर नॉट वेरी टू फैंसी. वो आपको हर जगह मिल सकते हैं, चाहे तो आप रिटेल शॉप से खरीदिए, चाहे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदिए. जस्ट टाइप इन द नेम ऑर्गेनाइजर्स एंड यू विल जस्ट गेट ऑल दिस थिंग्स. मैंने कुछ भी फैंसी नहीं लिया. इट्स जस्ट ऑल द लोकल डेली यूज प्रोडक्ट, सो ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा. देन मैंने ये सारे रिटेल से ख़रीदा, मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगाया. personally jaldi I do not order anything online. Okay, so let's jump into the beauty products. Okay, so the very first thing जो हमारे beauty product और beauty routine में add की जाती है after cleansing, like after using your face wash or anything, the major first thing that comes into the mind and the beauty steps is the scrub. Okay, so you get always confused like कौन सा scrub खरीदे. Well, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर स्क्रब तो यूजेज नहीं रहा है मेरा कभी, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जो भी अच्छा ब्रांड हो, अच्छे स्क्रब हो, मैं वो यूज़ करूँ. मैं हर मंथ या हर 2 मंथ्स में मेरे स्क्रब चेंज कर देती हूँ. देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्क्रब, बट करंटली जो मैंने अभी इस दिवाली के लिए यूज़ किया है पिछले कुछ 2-3 डेज से, एंड आई एम लविंग दैट प्रोडक्ट, इज़ दिस ओरिफ्लेम Sugar Scrub, which is very good. I just love it. मैं जैसे इसको लगाती हूँ the skin gets so damn smooth. This is a Sugar Scrub and बहुत ही minute particles है, irritating scrub नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही easily glide होता है skin पे. You don't need to like जो बाकी सारे मैंने scrubs में देखा है काफ़ी ज़्यादा ही उसके exploits होते हैं जो कि थोड़ा सा irritating होता है skin के लिए कि हाँ कुछ rub हो रहा है, but this scrub is just a magic. It has a very small exploiting scrub, so this is how this product looks like, and this comes in the golden bottle, which is truly very attractive. अगर wardrobe में रखना हो ना तो काफ़ी ज़्यादा attractive लगता है ये. So this is how this product looks like. Okay, so we talk about the cost of this product is this small little bottle for I think this is somewhat 200 grams की है. This cost you 600 rupees. Offer होगा तो I think 550 या 515 तक मिल ही जाएगा फॉर श्योर. बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्रब. एक्चुअली ये रिटेल शॉप्स में नहीं मिलता. यू हैव टू कॉन्टैक्ट डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके लोकल नेबरहुड में होता है, वही ये प्रोडक्ट को बेचते हैं. तो दिस कैन बी अ लाइक लिटिल अनकम्फर्टेबल टू ऑल टू गेट. सो एक कॉमन स्क्रब है जो मैं आप सबके लिए मंगाया है. अगर ये आपके पास में कोई ओरिफ्लेम के नज़दीकी में कोई ऐसा जो इससे डील करता हो, आप उनसे ले सकते हैं, इसलिए आई जस्ट सजेस्टेड. बट जो जिनके पास में ये नेबर में नहीं है तो उनके लिए एक यूनिक स्क्रब है मेरे पास में. दिस इज़ फ्रॉम द ब्यूटी को. दिस इज़ अ डिटैन स्क्रब. एग्जैक्टली दिवाली है, ब्राइटन अप तो स्किन दिखानी पड़ेगी. सो ये डिटैन स्क्रब लिया है मैंने, द ब्यूटी को का है. दिस इज हाउ दिस पैकेजिंग. दिस इज़ ऑल्सो अगेन द गोल्डन. तो वार्डरोब में अगर आप रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रब, दिस इज़ अ कॉफ़ी स्क्रब और बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अच्छी कॉफ़ी की खुशबू आती है. मैं जब भी इसे हाथ में लेती हूँ आई थिंक लाइक एक बार तो इसकी कॉफ़ी की खुशबू लूँ. इसका कॉफ़ी का खुशबू है, तो जब आप स्क्रब करेंगे ना आप इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे, इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. और जो इसका यूजेज है मुझे एवरेज लगा. डेली स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट स्पेशल दिनों के लिए यू नीड टू हैव अ ओरिफ्लेम शुगर स्क्रब. और आई थिंक अनदर स्क्रब जो मैं आने वाले वीडियो में शायद एक नया और यूनिक स्क्रब आपके लिए लाऊंगी. सो द ब्यूटी को कॉफ़ी स्क्रब इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल टू गाइज परचेज. ओके, सो द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज़ 399. मैंने ऑफर में खरीदा था कुछ अराउंड 120 और 150 में. नायका पे बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आते हैं, तो तभी आपको ये स्क्रब लेना चाहिए. ओके, टॉकिंग अबाउट द अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट. आपका जब स्क्रब हो चुका है फाइनली, यू हैव अ टोनर्स एंड ऑल. फाइनली मैंने इस साल तो इस मंथ में तो मैंने टोनर्स परचेज़ नहीं किए बिकॉज आई हैव इट ऑल. सो आई हैव गॉट दिस mask sheet which is from Garnier. This is a pomegranate mask sheet and which is for replumping and purifying your skin. Love mask sheets, they are so magic to your skin. They so very moisturize your skin and everything. Okay, so along with this pomegranate I have got this sakura white पिंकिश ग्लो टिश्यू मास्क फ्रॉम अगेन गार्नियर. अगर आप कोई मार्ट या स्टोर से इसे खरीदते तो यू इट गेट्स कॉस्ट यू अराउंड 59 रुपीज़, बट अगर आप नायका से परचेज करते हैं तो ये कॉस्ट यू अराउंड 50 रुपीज़ पर. सो नायका इज़ आई थिंक अ बेटर डील टू ऑर्डर. मैंने तो अभी करंटली मार्ट से ही खरीदा है बिकॉज आई थिंक I do not have time for online, so मैं फटाफट गई एंड मैंने ऐसे ही परचेज़ कर लिया. So that's it for this beauty product.